जो भी मंडी हमारे को ये बात कहेगी यहाँ माल आता है, हम तो उस मंडी में परचेज करेंगे, क्योंकि कॉमर्शियल के अंदर हमारे को कहीं भी दिक्कत नहीं है परचेज करने की। अब हमारा मेन टारगेट जो है, वो फोकस जो है, वो गरीब आदमी को बढ़िया से बढ़िया हर क्वालिटी की चीज जो है वो ठीक रेट के अंदर उपलब्ध हो। दालें, ड्राई फ्रूट, मसाले, सबकी पैकिंग का यूनिट जो है वो कैथल के अंदर ही लगेगा। मेरे एरिए के अंदर एक ऐसा यूनिट होना चाहिए कि बाहर का यूरोप से भी कोई एक्सपोर्टर आए तो उसको देखने के लिए आए। चेयरमैन से विधायक के टिकट तक भी जाता है क्या? आज का मेन विषय जो है, हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने सरसों जो आनी शुरू हुई, हमने कमर्शियल रेट पे उसको लेना शुरू किया, क्योंकि थोड़ा थोड़ा माल मार्केटों के अंदर आना शुरू हुआ। तो हमने मीटिंग करके एक फैसला लिया है फंड ने कि हमारा काम है जिम्मेदार को मैक्सिमम रेट देने का। आपने देखा ही है कि पीछे पैडी के अंदर भी, चाहे वो बासमती थी, चाहे 14-1 थी, चाहे 11-1 की थी, चाहे 17-18 थी, हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर पहली बारी जब से हरियाणा प्रदेश बना है सबसे ज़्यादा रेट देने का काम जो है वो हैफेड ने किया। और हैफेड ने पूरा माल लेने के अलावा उसका आज तक 840 करोड़ का एक्सपोर्ट भी कर दिया, और 1000 करोड़ से ऊपर का एक्सपोर्ट होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। जो हमारा टारगेट था वो टारगेट बहुत अच्छा हुआ, और उसके साथ साथ हर जिम्मेदार को 8,000 से लेके 10,000 तक ठेके बढ़े, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री का, श्री मनोहर लाल जी का एक ही हमारे को शुरू दिन से आदेश था कि आप किसानों की भलाई के लिए जो कर सकते हो वो करो, गरीब आदमी के लिए जो काम कर सकते हो वो करो, छोटे दुकानदार, अच्छे दुकानदार, बिजनेसमैन के लिए जो काम कर सकते हो वो करो। हमने उस ड्यूटी को निभाते हुए, मैं एक प्रोग्राम था बावल के पास, तो रास्ते में आते हुए 2-4 जिम्मेदार मेरे को मिले, तो उन्होंने एक बात कही कि 2-2, 4-4 डेयरी आनी शुरू हुई है और 46-47 रुपए के अंदर माल बिक रहा है। तो मैंने अगले दिन ही छुट्टी के दिन ही मीटिंग लेके एक फैसला किया कि जिम्मेदार को MSP से नीचे का रेट नहीं मिलना चाहिए, आप अपनी कमर्शियल खरीद को शुरू कर दो। और हमने कमर्शियल खरीद को शुरू करके 8% तक के मॉइस्चर का टोटल माल हरियाणा प्रदेश की किसी भी मंडी के अंदर जो आ रहा है उसको 5450 में लेने का काम किया, जो आज सारी मंडियों के अंदर, और जो माल मॉइस्चर ज़्यादा होता है उसको भी एक अपने सब DMs को आदेश दिए कि उस माल को सुखा के शाम तक यदि वो माल ठीक हो जाता है तो आप उस माल को भी शाम तक भरवाओ। तो हमारे सारे ऑफिसर्स इस काम पे बिल्कुल ठीक तरीके से कर रहे हैं, पर 1-2 जगह ऐसी है, जैसे जींद है या सोनीपत, जहाँ पे व्यापारी 2.5% की दामी के लिए अड़ा हुआ है, जबकि गवर्नमेंट ने पहले भी पीछे भी 0.25% का दिया, MSP पे भी 0.25% की हुई, बाकी सारी मंडियाँ प्रॉपर तरीके से दे रही हैं 2 को छोड़ के। हमारी तरफ से जिम्मेदार के लिए कमर्शियल खरीद में लगातार ज्यादा से ज्यादा रेट मिले हमने परचेज करने का काम शुरू किया हुआ है। कमर्शियल रेट मार्केट रेट के ऊपर चलता है, जो मर्जी रेट हो आप उस रेट पे लो। मान लो 4700 रुपए का रेट था, हम कमर्शियल में 4.5 भी कर सकते थे, पर क्योंकि हमने जिम्मेदार की भलाई के लिए एक बात थी कि गवर्नमेंट ने MSP 5.55 किया है, तो हमने कमर्शियल के अंदर भी 5.55 से खरीद शुरू की। जो 47 रुपए की मार्केट थी, आपने देखा है कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर वही मार्केट जो है अब 50 रुपए से लेके 55 रुपए तक भी हो गई है, 5450 से ऊपर भी जो है कल और परसों के अंदर कुछ डेरियां जो है वो बिकी हैं। कितना टारगेट है? हमारा टारगेट नहीं हुआ करता, हमारा टारगेट एक ही है कि जब तक जिम्मेदार को अच्छे प्राइस मिले उसके अंदर टारगेट की कोई चीज नहीं, जितना मर्जी हो जाए। हैफेड को उस चीज से कुछ नहीं मतलब, हैफेड को जिम्मेदार को ठीक रेट देने से मतलब है
कि जिम्मेदार को ठीक से ठीक रेट दिया जाए। इस बार तो नई मंडियां भी शुरू की हैं, तो इसके लिए कैथल और बोल रही है। हमने तो सारी मंडियां शुरू कर दी। हमारे को कैथल वालों ने कहा यहाँ बहुत कम माल आता है, पुंडरी वालों ने कहा बहुत कम माल आता है, पर आपके सेंटर है ये भी खुलने चाहिए, तो हमने वो भी सेंटर खोल दिए कि ठीक है हमारी जो भी मंडी हमारे को ये बात कहेगी यहाँ माल आता है हम तो उस मंडी में परचेज करेंगे, क्योंकि कमर्शियल के अंदर हमारे को कहीं भी दिक्कत नहीं है परचेज करने की। जब MSP पे मंडियां बनी हुई थी हम उसके अंदर हमने कैथल और इसको ऐड करा दिया। हैफेड के आगे क्या योजना है लोगों को सुविधा देने की? हैफेड के अंदर सबसे बड़ी जो चीज आपको बताई है कि सबसे पहले जो हमारे मेन जो टारगेट थे, एक जिम्मेदार का टारगेट था, वो तो हमने अचीव किया। अब हमारा मेन टारगेट जो है, वो फोकस जो है, वो गरीब आदमी को बढ़िया से बढ़िया हर क्वालिटी की चीज जो है वो ठीक रेट के अंदर उपलब्ध हो, उसके लिए बड़ी जल्दी कल ही यहाँ कैथल के अंदर इंस्पेक्शन की थी और दालें, ड्राई फ्रूट, मसाले सब की पैकिंग का यूनिट जो है वो कैथल के अंदर ही लगेगा। इसको क्योंकि मेरे एरिए के अंदर एक ऐसा यूनिट होना चाहिए कि बाहर का यूरोप से भी कोई एक्सपोर्टर आए तो उसको देखने के लिए आए, और इतना सुंदर यूनिट जो है वो एक साल के अंदर अंदर आपको कैथल के अंदर मिलेगा। इसके लिए जगह, जगह जो हमारी प्योदा रोड वाली हैफड वाली जगह है उसके अंदर हमने एक गोडाउन को डिमोलिश करने को ये कह दिया, और पिछला पूरा पार्ट जो है वो एक्सपोर्ट यूनिट के हिसाब से उसको बनाया जाएगा, और बड़ी जल्दी इसका फैसला करके जो है वो शुरुआत जो है इसकी बहुत जल्दी कर देंगे। बीज केंद्र भी, हाँ, एक सीड प्लांट के लिए भी लोगों का मेरे को कहना है कि कैथल के अंदर एक सीड प्लांट होना चाहिए, तो मैं पूरी कोशिश करके ये काम भी करने का काम करूंगा कि मेरी कैथल की पूरी जनता की जो आवाज है कि एक सीड प्लांट हमारे को यहाँ मिलना चाहिए, तो एक अच्छा सीड प्लांट हम बोर्ड में पास करके यहाँ देने का काम करेंगे। ये एक सरकार का, पूरी सरकार का प्रोग्राम होता है, और पूरे इस प्रोग्राम को फूड सप्लाई जो है वो शुरुआत करती है। हम एक ही चीज कह सकते हैं कि वीट के अंदर या किसी क्रॉप के अंदर किसी भी आढ़ती को मंडी के अंदर किसी तरह की दिक्कत नहीं आने देंगे, और जो जिम्मेदार के लिए हमारे पास उसका, हम हर आइटम को कमर्शियल के अंदर लेंगे, जो मर्जी आइटम हो। सर, ड्राई फ्रूट की बात कर रहे हो पैकिंग की, तो बाहर के स्टेटों से खरीद के यहाँ पैकिंग की जाएगी? देखो, दालें हो, ड्राई फ्रूट हो, मसाले हो, जो आइटम यहाँ बनेंगी बनेंगी, जो आइटम हम बाहर से परचेज करेंगे वो सोर्टेक्स होके और एक अच्छी क्लीनिंग करके, एक अच्छी क्वालिटी की चीज पैदा करके उसको कम से कम रेट में देने का काम करेंगे, कि एक गरीब आदमी जो है वो एक अमीर आदमी की तरह अपनी जिंदगी बिता सके, ये हमारा बिल्कुल एक एम है, और उस एम को एक साल के अंदर अंदर हम पूरा करेंगे। आप हैफेड क्या क्या चीजें जो है सस्ते दामों पर लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं इस टाइम पे? हमने, आपने देखा ही है कि हमने 45 आटा जो है वो मार्केट के अंदर किया। शायद पहली बारी होगा कि 9 आइटम मिला के जो आटा हमारा मार्केट के अंदर आया है, वो जितना मार्केट के अंदर आटा आता है वो शाम तक सेल हो जाती है, लोगों को इतना पसंद आया। हमारा सरसों का तेल जो है वो सबसे बढ़िया चल रहा है, हमारे बाजरा का बिस्कुट, दूसरा बिस्कुट वो चल रहे हैं। हम क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस साल को मिलेट्स के रूप के अंदर मनाने का लिए कहा, और आपने देखा कि 14 फरवरी को जब अमित शाह जी ने करनाल के अंदर पहला हैफेड का मॉल का उद्घाटन जो किया, वो हिंदुस्तान का पहला मॉल है इस टाइप का, एग्री मॉल जो पहला फर्स्ट मॉल जो है वो बना है। उसके अंदर हमने एक काम अभी से ही शुरू कर दिया कि छोटे से छोटे किसान अपनी बुकिंग करा सकता है, उस बुकिंग का माल हम उसका लेंगे,
और उस माल का एक्सपोर्ट करेंगे, उस एक्सपोर्ट का जो प्रॉफिट होगा वो भी छोटे किसान को डिवाइड करके हम देंगे। सर आपने बात की सरसों का तेल है पीडीएस से शुरू हो जाएगा जनवरी से, अभी तक सर शुरू नहीं। देखो ये गवर्नमेंट का एक डिसीजन है, गवर्नमेंट उसमें अभी पैसा दे रही है, ये डिसीजन हैफेड का नहीं है कि उसको पीडीएस के अंदर वो तेल देगी या वो पैसे दे, ये एक सरकार का अपना फैसला है। जो पब्लिक की ओपिनियन कोई भी होती है वो हम सरकार तक भेजने का काम करते हैं। आप जो भी हमारे को कोई राय देते हो और जो राय अच्छी होती है हम आपकी हर राय को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम करते हैं कि जिससे पूरे प्रदेश का भला हो, गरीब आदमी का भला हो, आम आदमी का भला हो, किसान का भला हो, व्यापारी का भला हो, जो हमारी ड्यूटी है। क्योंकि हमारी मेरे को जो माननीय मुख्यमंत्री ने जिस ओहदे पे बिठाया वो सब कैथल की जनता के कारण ही मिला। जब यहाँ पे वो आए हमारी जनता ने बहुत स्वागत किया, जिसको जिसके कारण हमारे को ये जगह जो मिली। और हमारा फर्ज भी यह है कि पब्लिक की एक सिर्फ सेवा करना, क्योंकि हमारी तो एक टेम्परेरी है, एक चीज है, और जिंदगी के अंदर एक ही चीज एम था कि जब मौका मिले उस टाइम गरीब आदमी आम आदमी की सेवा करने का मौका मिले। और हम तो पब्लिक की सेवा करने के लिए हैं और आपके सबके बीच में आपके सेवादारी हैं। मेरे घर में तो शाम को, सुबह, रात को आप सारों में कोई भी आदमी किसी टाइम भी कोई टेलीफोन करता है, मेरे ख्याल कोई आदमी ये नहीं कह सकेगा कि यार मेरा टेलीफोन नहीं उठाते, मेरे टेलीफोन का जवाब नहीं होता। ये चीज़ कभी भी नहीं हुई, क्योंकि हम तो सोच के यही चलते हैं कि हमारा हमारे को जो देने वाले है वो हमारी जनता है, उसी जनता के सिर पे ही हमारे को यहाँ तक पहुँचने का मौका मिला। चेयरमैन से विधायक टिकट तक भी जावे जी? हाँ जी, ये रास्ता चेयरमैन से विधायक टिकट तक भी जाता है क्या? नहीं, ये इस चीज से कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि मैंने पहले कहा हमने तो एक सेवक के तौर पे काम करने का निश्चित है। पार्टी हाईकमांड जिसको टिकट दे के भेज देगी उसको जिताने का काम जरूर करेंगे, जितनी हमारे में हिम्मत होगी उसको जिताएंगे।